तो आज का टॉपिक आपका रहेगा कि दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे हम लोग। हम लोग पढ़े तो याद करो, दाब चुप्पी होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। जब भी दाब की बात करेगा तो बल बट्टा क्षेत्रफल से आप बात करेंगे। तो मान लो कि क्वेश्चन आपसे कहा, सुनो ध्यान से, कि यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगता है, के क्षेत्रफल पर लगता है, तो दाब बताइए। तो दाब बताइए। देखो सवाल कितना आसान है, मना लगे। कहा कि यदि एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगता है, तो देखो 10 न्यूटन की बात करेगा तो ये आपका मान दे दिया। 10 न्यूटन की बात करेगा तो किसका मान दे दिया? ये आपका। 20 मीटर स्क्वायर की बात करेगा तो ये क्षेत्रफल दे दिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है। और क्या पूछ रहा है? दाब पूछ रहा है, तो दाब का मतलब होता है प्रेशर, पी पूछ रहा है। और पी बराबर आप पढ़े होंगे फोर्स बटेरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो निकाल दो। जब आप इसको हल करेंगे, सिंपल बहुत क्वेश्चन है, जब आप इसको हल करेंगे तो पहले 10 न्यूटन है तो यह बराबर आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। एरिया आपका जो है 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। निकालना कहाँ है आपको? दाब पी आपको निकालना है। पी बराबर क्या होता है? एफ अपान ए। पी बराबर एफ अपान ए फार्मूला है। एफ आपके पास मौजूद है 10, आई आपके पास मौजूद है 20। अब इसमें भाग दे दो, चलो डायरेक्टली भाग दे दो 10 में 20 से। 10 बढ़ा दो तो 0, तो 20 25 100, तो 0.5 हेक्टर मात्रक तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है प्रति हेक्टर, प्रति प्रत्यय बटा है तो आई का तो मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 0.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? बना लोगे? चलो मान लो कह दिया कि यदि एक वृत्त का त्रिज्या, यदि एक वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर है, तथा 22 न्यूटन का बल लगता है, 22 न्यूटन का बल लगता है, तो दाब बताइए। तो दाब बताइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का त्रिज्या 7 मीटर है तथा 22 न्यूटन का बल लगता है, तो दाब बताइए। तो क्या बताना है आपको? दाब बताना है। चलिए त्रिज्या कितना दे दिया बाबू? 7 मीटर। त्रिज्या कितना दे दिया? 7 मीटर। त्रिज्या कितना दे दिया? 7 मीटर। यानी त्रिज्या का मतलब आ रेडियस, त्रिज्या का मतलब आ रेडियस, रेडियस के मान 7 मीटर। बल कितना दे दिया? 22 न्यूटन। बल कितना दे दिया? 22 न्यूटन। यानी आप कमान 22 न्यूटन दे दिया, ये अब कमान 22 न्यूटन। क्या पूछ रहा है? दाब। दाब का मतलब पी कमान पूछ रहा है। दाब का मतलब पी कमान। आप पढ़ोगे पी बराबर क्या होता है? एफ अपान ए। पी बराबर एफ अपान ए। एफ तो आपके पास 22 है, और जो ए होता है ए कमान पाई आर स्क्वायर होता है, ए कमान पाई आर स्क्वायर होता है, ए कमान पाई आर स्क्वायर होता है। जहाँ पाई है तहाँ क्या लिख देंगे? 22/7 गुणे आर कमान 7 है, तो 7×7 लिख देंगे, तो 1/7 से 1/7 डबल 7 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 22 से 22 भी कट गया, केवल 1/2 का हो गया 7। भाग दे दीजिए 1 में 7 से, 1 में 7 से भाग दे दीजिए, 10 बढ़ाएंगे 0, 7×7 घटेगा 3, 1 और 0, 7×28 20, 7×28 2, लगभग 7×2 14, इस तरीके आ जाएगा। लगभग आप लिख सकते हो जो ऊपर वाला आया है कितना, 0.142 न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इस तरीके से आप दाब का मान निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर। समझ में आया? ठीक है।